हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे टमाटर वाला नमकीन दलिया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है और बहुत ही कम सामान में बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप दलिया, 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटा हुआ 1 प्याज और बारीक कटी हुई 3 से 4 हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 1 छोटी चम्मच जीरा और नमक स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 कप हमने दलिया लिया है। तो ये जो दलिया होता है इसमें छोटे छोटे गेहूँ के दाने होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो दलिया लिया है इसे हम बीन कर साफ़ कर लेंगे। और साफ़ करने के बाद हल्का सा इसे हम भूनेंगे। तो भूनने के लिए कढ़ाई में हम डालेंगे घी 1 चम्मच। तो जैसे ही घी गर्म हो जाए तभी आप इसमें दलिया डाल दें और चलाते हुए इसे भूनें। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे दलिये को भूनने में। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए तभी आप गैस को बंद कर दें और इसे बर्तन में निकाल दें। और जब ये दलिया ठंडा हो जाए तब आप इसे पानी से 2 से 3 बार अच्छे से धोएं और धोने के बाद इसका पानी निकाल कर रख दें। तो यहाँ पर कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। आप चाहे तो घी बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तभी हम इसमें ऐड कर देंगे हींग लगभग 1/4 चम्मच, थोड़ा सा जीरा और इसी के साथ ऐड कर देंगे प्याज और हरी मिर्च। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक कट किया हुआ है। चलाते हुए प्याज को भूनेंगे और जैसे ही प्याज इस तरह हल्का सा भुन जाए तभी इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को बिल्कुल बारीक बारीक सा कट किया हुआ है, अच्छे से मिलाएंगे। तो आज हम टमाटो दलिया बनाएंगे इसलिए हमने टमाटर का यूज़ किया है। आप चाहें तो 1 टमाटर डाल दें और इसमें सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, आलू या फिर और भी जो सब्जियां आपको पसंद हो वो आप इसी टाइम पर डाल दें। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे, अच्छे से मिलाएंगे। और टमाटर को हम पकने के लिए रख देंगे। तो बहुत ही बारीक बारीक से टमाटर कटे हुए हैं, बहुत ही जल्दी पक जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद हम खोलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर जो है अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे दलिया, जिसको कि हमने धोकर उसका पानी निकाल के रखा हुआ है। सारा दलिया इसमें ऐड करने के बाद अच्छे से मिलाएंगे और इसी तरह चलाते हुए थोड़ा सा भूनेंगे ताकि मसाले और टमाटर के साथ अच्छे से दलिया मिक्स हो जाए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। 1 कप दलिया लिया था तो उसी कप से नाप के आप 2 से 2.5 कप पानी डाल दें, क्योंकि ये पकेगा और पकने के बाद फूलेगा। तो इतना पानी इसमें काफ़ी है। पानी डालने के बाद अच्छे से मिलाएं और मिलाने के बाद ढक के रख दें, गैस का फ्लेम लो कर दें और लगभग 10 मिनट तक आप इसे धीमी धीमी आंच पर पकने दें, जिससे कि दलिया का एक एक दाना पकेगा और फूलेगा अच्छे से। बीच में आप इसे खोलकर एक बार ज़रूर से मिक्स कर दें। दलिया को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं धीमी धीमी आंच पर, खोलकर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दलिया बहुत ही अच्छे से पक चुका है और एक एक दाना इसका अच्छे से पककर खिला हुआ है। तो बस इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ऐड कर देंगे धनिया के पत्ते, मिला दें और गैस को बंद कर दें और 1 से 1.5 मिनट के लिए आप इसी तरह ढककर इसे छोड़ दें, जिससे कि अच्छे से ये और सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ही आप इसे सर्व करें।
यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्टी और हेल्दी सा दलिया बनकर तैयार है, जिसे कि हमने टमाटर के स्लाइस के साथ सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा नाश्ता है। आप इसे सुबह के टाइम या फिर शाम के नाश्ते में बना सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।